हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने जो माइक मंगाया था, बस उसी का एक छोटा सा रिव्यू हम लोग बनाने वाले हैं आज, क्योंकि मैंने 5-6 वीडियोस बनाए उस माइक को यूज़ करके। तो वो मेरे को काफ़ी उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, उसी के विषय में हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और वो माइक का आउटपुट कैसे निकल के आता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, इनडोर और आउटडोर। थोड़ा डिस्टेंस में भी हम लोग थोड़ा डिस्टेंस भी देखेंगे कि कितना डिस्टेंस तक वो माइक काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और बॉक्स तो मैंने पहले से ओपन कर दिया है। ये है बोया ब्रांड का माइक है, आपको जैसे दिख रहा है बोया। और ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन पे से, मेरे को पड़ा था ये अराउंड 1500 के अराउंड ये माइक पड़ा था मेरे को, ऐसी प्लास्टिक पैकिंग में अंदर आता ये। और ये कुछ चीज़ है जो अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, अंदर यूज़र मैनुअल है, मैं दिया हुआ अंदर माइक को कैसे यूज़ करें और कैसे इंस्टॉल करें, पूरा इंस्टॉलेशन इसमें है, इसमें है पूरा इंस्टॉलेशन। और है ये ऐसा पाउच मिलता है आपको, व्हेन यू ट्रैवल यू कैन इजीली कैरी दिस माइक इन दिस पाउच। ऐसे आपको दो केबल मिलते हैं, दिस इज़ TRS कनेक्टर, दिस इज़ TRRS, सीधी भाषा में बोले तो ये फ़ोन पर लगता है और ये डायरेक्ट कैमरे में लगता है। इन दोनों केबल में ये कनेक्ट, ये कॉमन है, ये इस साइड का एल शेप का ये माइक में लगता है। और अपोजिट साइड का ये जो वायर है ये वाला, तो ये डायरेक्ट सीधा केबल है जो ये फ़ोन में लगता है, और ऐसा रिंग वाला है जो वो कैमरे में लगता है। और मिलता है मेन पार्ट को, ये मेन पार्ट माइक मिलता है, और ऐसा माउंट मिलता है जो शॉक एब्जॉर्ब करता है व्लॉगिंग के दरमियान, व्लॉगिंग के टाइम पे, मतलब ऐसे ऐसे शॉक माइक में आपको सुनाई नहीं देंगे, वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, माइक तक पहुंचने नहीं देगा। ये वाला पार्ट डायरेक्ट ट्राइपॉड के ऊपर लग जाता है, ट्राइपॉड अभी मोबाइल लगा हुआ है ट्राइपॉड, तो मैं दिखाता हूँ। ये है ट्राइपॉड, ये भी मैंने अमेज़न पे से मंगाया था, ये वाला है माइक जो यहाँ पे डायरेक्ट फिट हो जाता है, और आप यहाँ से इसको टाइट कर सकते हैं ताकि माइक निकल ना जाए। तो ये कुछ ऐसा दिखता है लगने के बाद। ये है इसका मेन बॉक्स, और बॉक्स में आपको मिलेगा ऐसा एक कैरी पाउच, डेड कैट, ये है एंड्रॉयड के लिए, मतलब फ़ोन के लिए केबल है, ये कैमरा वगैरह इस केबल से यूज़ कर सकते हैं, और ये है यूज़र मैनुअल। तो बात करते हैं वॉइस क्वालिटी की, अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये डायरेक्ट फ़ोन के माइक से, आईफोन 12 प्रो मैक्स के माइक से डायरेक्ट आवाज़ आ रही है। और अभी जो ये आवाज़ आप सुन रहे हैं ये बोया MM1 माइक से आवाज़ आ रही है। तो डिफरेंस आप बताओ, एकदम डिस्टेंस नज़दीक है, 1 फिट डिस्टेंस से दोनों आवाज़ मैंने सुने आपको। और अभी चलिए थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते हैं, और अभी ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये है बोया MM1 माइक से, और डिस्टेंस अराउंड 3 फीट है। तो पहले 1 फीट से, अभी ये 3 फीट से आवाज़ आप सुन रहे हैं। और अभी आप ये आवाज़ सुन रहे हैं ये फ़ोन के माइक से, आईफोन 12 प्रो मैक्स से, और अभी आप ये आवाज़ सुन रहे हैं अराउंड 5 फीट अराउंड डिस्टेंस है, और ये आप आवाज़ सुन रहे हैं डायरेक्ट आईफोन 12 प्रो मैक्स इन। और अभी आप ये जो आवाज़ सुन रहे हैं ये है बोया MM1 माइक से, अराउंड डिस्टेंस अराउंड 5 फीट, और अभी आप ये आवाज़ सुन रहे हैं ये है बोया MM1 से, और डिस्टेंस अराउंड 3 फीट, और सेम डिस्टेंस से अभी आप ये आवाज़ सुन रहे हैं ये है आईफोन 12 प्रो मैक्स की इनबिल्ट माइक से, डिस्टेंस अराउंड 10 फीट, और अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं ये है बोया MM1 माइक से, डिस्टेंस अराउंड 10 फीट, और अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं ये है iPhone 12 Pro Max की इनबिल्ट माइक। और अभी आउटडोर वीडियो शूट कर रहे हैं तो डेड कैट का भी यूज़ किया है मैंने, जो वो फर जैसा था वो माइक पे लगाया है मैंने, उसके वजह से थोड़ी विंड नॉइस कम आती है और वॉइस थोड़ी क्लियर मिलती है। डेड कैट और विदाउट डेड कैट आवाज़ का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ये वाला माइक आईफोन के साथ डायरेक्ट फिट नहीं होगा, तो आईफोन के लिए आपको अलग से ये 3.52 लाइटनिंग वाला अडेप्टर आपको लेना पड़ेगा, और ओरिजिनल आईफोन का ही लीजिए, क्योंकि फर्स्ट कॉपी वाला है जो ये माइक में वर्क अच्छे से नहीं करता है, तो
तो उसमें पैसा वेस्ट ना कीजिए और एक बार ओरिजिनल वाला ही अडेप्टर ले लीजिए। एक डिफरेंस मुझे पता चला कि जब माइक यूज़ करते हैं तो नज़दीक का जो बाकी सारा आवाज़ है ये कम कर देता है, और जो मेन हम जो मतलब बोल रहे हैं वो ज़्यादा फोकस करता है, तो बाकी सारी नॉइज़ रिड्यूस हो जाती है और अपनी आवाज़ थोड़ी क्लियर सुना देती है। तो ये था हमारा बोया MM1 माइक के लिए एक छोटा सा रिव्यू। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, एंड इफ़ यू न्यू देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो बस मिलते हैं ऐसे और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।